प्रिय मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज का जो वीडियो है एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ में है। जो भी अभ्यर्थी छठी JPSC में सक्सेस हुए हैं वे अपने जो स्कोर कार्ड है उसको वेबसाइट पर जाकर फेच कर सकते हैं, अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। तो आज से ठीक चार पाँच दिन पहले छठी JPSC ने अपने जो छठी JPSC का जो पेंडिंग रिजल्ट था, जो कि काफ़ी विवादास्पद एग्ज़ाम था, उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर गया। तो इससे लगा कि एक विवाद जो था, पुराना विवाद है, वो ख़त्म हुआ है और अब आगे का जो रास्ता है वो काफ़ी क्लियर होगा। लोग सातवीं JPSC में लग करके बस आराम से बस सातवीं JPSC पर फोकस करेंगे, क्योंकि अभी भी लोगों का समझ लीजिए आधा ध्यान अटका हुआ था छठी JPSC में। जो नए अभ्यर्थी हैं और जो पुराने अभ्यर्थी, दोनों का ही ध्यान छठी JPSC में अभी भी अटका हुआ था। लेकिन इस रिज़ल्ट ने समझ लीजिए, जैसे स्कोर कार्ड अनाउंस किया गया, इसने एक नए विवाद, नए प्रश्न और एक नई समस्या को जन्म दे दिया। ये प्रश्न क्या है, ये विवाद क्या है, इसके समझने के लिए सबसे पहले इस समस्या के जड़ में चलते हैं कि आखिर विवाद कहाँ खड़ा हो रहा है। विवाद का जड़ में जो है वह मुख्य परीक्षा का जो पूर्णांक है वो है। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने छठी JPSC का, मैं आपको यहाँ पे मुख्य परीक्षा का जो पूर्णांक है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्य परीक्षा 6 पत्रों की होगी जिसका पूर्णांक 1050 है। अर्थात जो अभ्यर्थी हैं उसको 1050 जो अंक है उन पर ही उनका जो है मेधा जो लिस्ट है उस पर वो तैयार होगा। और यहाँ पर एग्ज़ाम कितने नंबरों का लिया गया था देख लीजिए। पेपर 1 था जो कि 100 मार्क्स का था, ठीक है। पेपर 2 150, पेपर 3 200, फोर्थ 200, फिफ्थ 200 एंड सिक्स्थ भी 200। तो टोटल आपका कितना हो गया देख लीजिए आप। अगर आप नीचे से काउंट कर रहे हैं तो नीचे यहाँ पे टोटल 800 है, ठीक है। प्लस 1 यहाँ पे 150, आपका 950 हो गया और यहाँ पे ऊपर हो गया आपका 100। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए एक ऑप्शन समझिए, यहाँ पर सारे एग्जाम तो डिस्क्रिप्टिव टाइप हैं लेकिन पेपर 1 के बगल में आपको क्या लिखा है, दिस पेपर इज क्वालिफाइंग इन विच मिनिमम 30 मार्क्स इज मैंडेटरी, मतलब 30 मार्क्स ही केवल मैंडेटरी होंगे, जो कि आपको मात्र 30 मार्क्स को ही का ही अर्हता में ऐड किया जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गया है कि जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और अब उनका स्कोर कार्ड डाउनलोड किया जा रहा है, अभी तक कुछ ही अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड डाउनलोड किया जा चुका है, तो उनका स्कोर कार्ड डाउनलोड करने पर यह पाया गया कि जो अभ्यर्थी जितने भी मार्क्स लाए थे पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक, सारे मार्क्स को ऐड करते हुए ही उनका जो मेधा क्रम है, ये मेधा सूची में उनका रैंक दिया गया है। तो आप समझ लें कि कितनी बड़ी त्रुटि हुई है। क्योंकि ये क्या होता है कि अगर आपको पता होता है कि कोई पेपर केवल क्वालिफाइंग है तो आप उस पर ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि पेपर 1 केवल क्वालिफाइंग होता है। अगर 7th JPSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो 6th के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही रहेगा तो पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा। तो आपकी पृष्ठभूमि अगर हिंदी है तो आपको ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर हिंदी नहीं रही है पृष्ठभूमि तो आपको थोड़ी बहुत तैयारी करनी होगी। तो वैसे अभ्यर्थी जो जिनकी पृष्ठभूमि हिंदी नहीं थी उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन और जिनके जो अभ्यर्थी हिंदी पृष्ठभूमि वाले थे उन्होंने बिल्कुल भी नहीं तैयारी किया था, किसी तरह एग्ज़ाम दे दिया, हालांकि उनको पता था कि वो पास करेंगे क्योंकि मात्र 30 मार्क्स का ही उनको लाना था, ठीक है। तो यहाँ पर गलती क्या हो गया है कि अगर जो अभ्यर्थी 60-70 ले आए होंगे तो उनका जो मेधा जो लिस्ट बना होगा वो अपने आप वो रैंक कर गए होंगे, उनको उच्च रैंक मिला होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो अगर आपको मेधा में अगर इस हिंदी मार्क्स को जोड़ना था तो आपको पहले ही से क्लियर कर देना था कि इसको मेधा सूची में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि जो पेपर 1 वाले मार्क्स को ऐड कर दिया गया है, जबकि पहले से लिखा हुआ था कि ये केवल क्वालिफाइंग है। तो ये मेजर मिस्टेक है, मिस्टेक ही नहीं इसको कह सकते कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है आयोग से, जिसको बहुत तत्काल सुधार किया जाए, जितना जल्द से जल्द सुधार करने की कोशिश की जाएगी। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए कि अगर इस विवाद की ओर JPSC ध्यान देता है तो ये छठी JPSC का जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है वो अपने आप निरस्त हो जाता है, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट ही पूरी तरह से गलत हो गया है और ख़ासकर वैसे अभ्यर्थियों के साथ पूरी तरह से भेदभाव हो गया जिन्होंने बस अपने
पास मार्क्स लाने पर ध्यान दिया और इस पर ज़्यादा मेहनत ना करके बाकी पेपरों पर मेहनत किया है, ठीक है। तो एक तरह से पूरी तरह से ये गलत हो जाता है ऑटोमेटिकली रिजल्ट। और अगर इसको आधार माने तो समझ ले कि अगर आयोग खुद रिजल्ट निरस्त नहीं करता है तो समझ ले कि अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि कोर्ट में जाएंगे और आगे एक नया समझिए विवाद का एक नया श्रृंखला चालू हो जाएगा। तो ये मानकर चलिए कि फ़िलहाल तो ये बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो चुका है और अब ये मान के चलिए कि हो सकता है इसकी वजह से 7वीं JPSC भी कुछ दिनों के लिए प्रभावित हो सकती है। हालांकि 7वीं JPSC के बारे में भी एक न्यूज़ है कि एग्ज़ाम कैलेंडर जो कि है वो उसको जो पहले का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसको निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसको रिमूव कर दिया गया है साइट से। तो ये भी मान के चलिए कि अभी फ़िलहाल जो आयोग ने जो कैलेंडर को घोषणा किया था उसके अनुसार कोई एग्जामिनेशन फ़िलहाल नहीं होने वाला है। और एग्ज़ाम कब होगा? जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, सब कुछ जो अभी जो कोरोना का जो कंडीशन चल रहा है कंट्री में वो नॉर्मल होगा, तभी एग्ज़ाम होगा। लेकिन हम लोग पॉजिटिव मान के चल सकते हैं कि एग्ज़ाम जल्दी होगा, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा आयोग और तेज़ी से काम चालू कर देगा। अभी भी आयोग काम कर ही रहा है लगातार। जैसे कि आप जानते हैं इस लॉकडाउन में ही 6ठे JPSC का रिज़ल्ट अनाउंस किया गया है। इसी लॉकडाउन में ही आपको जो स्कोर कार्ड है उसको अनाउंस किया गया है। इसी लॉकडाउन में जो 7वीं JPSC का कैलेंडर निरस्त किया गया है, इवन JPSC के जो भी एग्जामिनेशन होने वाले सारे कैलेंडर को निरस्त कर दिया गया है। तो ये मान के चलिए कि आयोग जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, स्थितियाँ निर्मल नॉर्मल होंगी, तुरंत ही जो JPSC का है जो फ्रेश कैलेंडर जारी होगा। और ये मानकर चलिएगा कि जैसे ये फ्रेश कैलेंडर होगा उसको 100% आयोग कोशिश करेगा फॉलोअप करने का, क्योंकि आयोग की ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा किरकिरी हो चुकी है। 3-4 बार कैलेंडर जारी करके वो निरस्त कर चुका है या फिर डेट को रीशेड्यूल कर चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगी कि आयोग जो भी नया कैलेंडर जारी करे तो उसको 100% कोशिश करेगा कि उसको फॉलोअप करने का। तो ये मानकर चलिए कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, अब ये 3 मई को ख़त्म हो या फिर 3 जून को ख़त्म हो, जैसे ही ख़त्म होता है 7वीं JPSC की अधिसूचना आ जाएगी और एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो बस आपको तैयार रहना है। फिलहाल तो 6ठे JPSC के बारे में अब ये कन्फर्म है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो निरस्त किया जाएगा, फिर से जो मेधा सूची बनाई जाएगी, और उसमें कुछ टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो फिलहाल आप 6ठे JPSC रिज़ल्ट का फिर से वेट कीजिए और 7वीं JPSC के लिए एकदम जी जान से लगे रहे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।